हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। शायद थोड़ा सा फास्ट बोल दिया मैंने, लेकिन अब धीरे बात करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बायनरी एप्लीकेशन के बारे में। आज करने वाले हैं हम पूरा पोस्टमार्टम। बिनानी एप्लीकेशन जो है, क्या है इसके रिव्यू, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, काफी टाइम यूज करने के बाद मुझे यूजर एक्सपीरियंस कैसा लगा, और बात करते हैं इसके रिव्यूज की, तो क्या रिव्यूज अवेलेबल है और क्या मेरे थॉट्स हैं इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, क्या पेमेंट सिस्टम है, क्या विड्रॉ सिस्टम है, क्या डिपॉजिट सिस्टम है। बिनानी एप्लीकेशन के सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आज इसी की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि यार बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे बिनानी एप्लीकेशन के बारे में कि सर बिनानी के बारे में कुछ हमें बताओ, कुछ रिव्यू दो, कुछ नया बताओ, क्या है बिनानी एप्लीकेशन। आज तक कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी चैनल पे बिनानी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, मतलब फर्स्ट वीडियो आने वाली है। तो काफी टाइम तक रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लेके आया हूं। आपको पता है यार, चैनल पे जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता है हमेशा से ही और मिलता रहेगा हमेशा तक। तो जेन्युइन कंटेंट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को टाइम इसलिए लगा, मैंने देखा कि यार कंटेंट जो है हैवी है, हैवी इन द सेंस कि जो एप्लीकेशन है इसके बारे में कुछ सही बोलना गलत बोलना सही नहीं होगा जब तक मैं इसको यूज करके नहीं देख लेता, या फिर मैं इसके बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं कर लेता, स्टडी नहीं कर लेता। तो बहुत टाइम लगा इसके बारे में मैं, हालांकि मुझे पता है आप लोगों के कमेंट्स बहुत पहले से आने स्टार्ट हो गए थे बिनानी के बारे में, लेकिन टाइम जरूर लग गया, लेकिन वर्थ है दोस्तों, जरूर मजा आएगा वीडियो लास्ट तक देखोगे तो। क्यों? क्योंकि बिनानी ब्रोकर जो है, नए नए ब्रोकर्स के बारे में जानकारी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में कौन सा ब्रोकर नया आया है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, क्यों यूज करना चाहिए, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक मैं फिर से फास्ट हो गया, तो फिर से स्लो करते हैं। तो गाइस पूरा का पूरा वीडियो जो है इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। जाते हैं हमारी फोन की स्क्रीन पे, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे, एंड देखते हैं बिनानी के कुछ 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 अच्छी चीजें, कुछ बेकार चीजें, क्यों यूज करना चाहिए, क्यों यूज नहीं करना चाहिए, सब चीजें करेंगे कंपेयर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप हैं अभी binani.com के इंटरफेस पे, जो कि मेरा लैपटॉप का इंटरफेस है, चेक कर पा रहे हैं आप। लैपटॉप से मैंने सर्च किया binani.com, तो इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने खुल के आया है। चले गाइज कुछ रिसर्च करते हैं इसके बारे में, फिर आते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कि किस तरीके का यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फिर आते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ के ऑप्शन पे, एंड इन द लास्ट हम आते हैं कि एप्लीकेशन को या वेबसाइट को आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा रिव्यू देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि करना क्या है आप लोगों को, ना ही मैं इंडिकेट करूंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा से आपको कहता हूं, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, चॉइस भी आपकी होनी चाहिए। तो जैसे ही इस वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगी, करेंसी यहाँ पे आप INR में सेलेक्ट कर सकते हो, ये चीज अच्छी लगी मुझे। अब आते हैं इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ ट्रेडिंग का इंटरफेस आपको मिलता है जो कि मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी लगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप ग्राफ अप एंड डाउन का प्रिडिक्शन आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप एंड डाउन का ग्राफ का प्रिडिक्शन आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है अप एंड डाउन, तो मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी और बहुत ही अजीब सा लगा कि यार कहां तक जा चुकी है बाइनरी एप्लीकेशंस की सीरीज हमारे इंडिया में और आउट ऑफ वर्ल्ड में, और ये लोग अभी तक बहुत पीछे हैं। अप एंड डाउन का ऑप्शन यूज कर रहे हैं यार, बुलिश बियरिश का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ट्रेंड का यूज कर सकते हैं ये, बट अप एंड डाउन तो मुझे थोड़ा सा कूल नहीं लगा, थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कि पिछड़े हुए हैं, थोड़ा सा पीछे हैं अभी बाकी सारी एप्लीकेशन से। जैसे कि नोकिया का जो डिवाइस है, नोकिया का जो कंपनी है, वो टाइम के साथ अपने जनरेशन के साथ चेंज नहीं कर पाई थी अपने डिवाइसेस को। रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट ये रहा था कि उनके डिवाइसेस बिकने बंद हो गए थे, कंपनी बहुत बेकार यानी बहुत बुरी लॉस में चली गई थी। हालांकि अब कुछ अच्छे डिवाइसेस निकाल रही है नोकिया, बट पहले की बात करते हैं तो टाइम के साथ चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो पूरी टीम की बात करें तो वहां पे कुछ कमजोर कड़ियां हैं। मतलब अगर पूरी टीम को देखें तो यार एक दो प्लेयर ऐसे होंगे जो पूरी टीम में सबसे वीक माने जाते हैं, मतलब ऐसा होता ही है, हर टीम में ऐसा होता है। मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात नहीं करता हूं, हर एक इंटरनेशनल टीम की बात यहां पे करते हैं। तो यार अभी की टीम की बात करें तो शिवम दुबे एक थोड़ा सा लाइक माना जाता है कि थोड़ा सा कमजोर कड़ी है उनकी बॉलिंग को लेकर, और थोड़ा सा बैटिंग नेचर नीचे आती है। तो उस हिसाब से ही ये जो एप्लीकेशन है बाइनरी सीरीज की, यानी बाइनरी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है इंडियन मार्केट में, आउट ऑफ इंडिया भी। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो वेबसाइट है, मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है बाकी सारी एप्लीकेशन से, क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नीचे आते हैं, तो यहां पे कुछ आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो आपको मुझे लगता है कोई पढ़ता नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस। विड्रॉ देखेंगे आप, रजिस्ट्रेशन एंड वेबसाइट, करेंसी ट्रेडिंग आपको मिल जाती है। अब नीचे देखेंगे यूजर्स रिव्यू, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे चिपका रखे हैं, तो इसका मतलब तो अच्छे ही होंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बेकार होते तो ये लोग चिपकाते ही नहीं।
अब लिखा है भैया कि मोर देन 50 एसेट्स ऑफ योर चॉइस, आपको 50 से ज्यादा एसेट्स की आपको चॉइस की ट्रेडिंग के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे, जहां पे इन्होंने दिया है भैया गूगल। भैया यहाँ पे आपको इन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, फेसबुक, IBM के जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं एंड वैरायटी ऑफ पेमेंट सिस्टम आपको इन्होंने दिए हैं। तो भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने लिखा है वैरायटी ऑफ पेमेंट सिस्टम और इन्होंने पेमेंट सिस्टम दिए हैं सिर्फ 4, पेटीएम, स्क्रिल, नेटलर और परफेक्ट मनी। यानी इन्होंने न तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लोकल बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, जो पेमेंट सिस्टम है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी इन्होंने नहीं दिया है। तो यार मेन जो लोग हैं, ज्यादातर टारगेटेड ऑडियंस होती है, वो यूज करती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ग्लोब पे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4 ऑप्शंस हमें मिलते हैं डिपॉजिट के लिए, पेटीएम, स्क्रिल, नेटलर और परफेक्ट मनी, जिसका भी ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि इंडिया में पेटीएम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत लोग हैं जो पेटीएम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वेबसाइट पे पेटीएम यूज करने का मतलब क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, पेटीएम यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे नीचे ही नीचे इन्होंने दिया है डिफरेंट कलर में रिस्क वार्निंग। तो भैया रिस्क वार्निंग तो आपको पता ही है हर एक वेबसाइट में होती है। नीचे एक चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन है, जो कि रिस्पॉन्स तो मिल जाता है चैट सपोर्ट से, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो बस एक ही चीज निकल के आती है कि हम इंप्रूव कर रहे हैं, चीजें सही हो जाएंगी टाइम के साथ। आज है संडे, तो आज मुझे लगता है OTC मार्केट ही ओपन होगा। यहाँ पे देखते हैं कितनी करेंसीज ओपन होगी। तो मैं स्टार्ट ट्रेडिंग पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा साइन अप, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन अप किया हुआ था, लेकिन मैं फिर से साइन अप करूंगा ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल बेसिक से समझ आए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइन अप और उसके बाद हम मिलते हैं वीडियो में। तो जल्दी जल्दी मैं साइन अप कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ चीजों को कि किस तरीके से चीजें वर्क करती। तो मैं अभी जल्दी जल्दी साइन अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइन अप कर दिया है एंड मैंने कर दिया है साइन अप पे क्लिक। अब देखते हैं भैया कितना टाइम लगाते हैं प्रोसेसिंग में, तो क्या पता कोई कोड भेजेंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो, बट देखते हैं। तो अभी मैंने साइन अप पे क्लिक कर लिया, बहुत टाइम लग रहा है अभी तक, यहाँ पे कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही है, बस इतना अच्छा इंटरनेट में यूज़ कर रहा हूँ इवन दो। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड नेवर पे कर दिया है। तो अभी हमारे पास है डेमो अकाउंट और लाइव अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है 0, क्यों वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा, ऐसा क्यों हुआ कि मैं लाइव अकाउंट में आपको 0 क्यों बैलेंस दिखा रहा हूं, मतलब हम डेमो अकाउंट से ट्रेड क्यों लेंगे, डेमो अकाउंट से क्यों डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाते हैं। तो डिपॉजिट के ऑप्शन पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस जो है ये प्रोवाइड करते हैं बिनानी वाले। तो अभी गोल गोली घूम रहा है, ओके। तो यहां पे देखेंगे हमारे पास 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास है पेटीएम, UPI, IMPS यानी इम्पल्स भी आप कर सकते हैं, स्क्रिल, नेटलर और ई पे और बैंक कार्ड और बी कैश और दूसू पे, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो गाइज अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो मुझे काफी मजेदार लगे वो ये कि गाइज ये जो एप्लीकेशन है binani.com, तो binani.com की जो खासियत है वो ये कि ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, गूगल प्ले स्टोर प्लस iOS स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है। तो यार ऐसा क्यों, कुछ ना कुछ तो घपला जरूर है इसके पीछे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है, इतना लाइक इतना सिक्योर नहीं है, उसके बाद भी ये एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है डेफिनेटली। iOS तो चलो बहुत ज़्यादा सिक्योर मामले में आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब बात करते हैं बैंक कार्ड्स की, तो देखें यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स आपको मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा हम इसे यूज़ तो कर नहीं पाते, तो फ़ायदा क्या, हमारे लिए 4 ही ऑप्शन है जो हम यूज़ कर पाते हैं। बैंक कार्ड पे जाते हैं तो देखो मिनिमम मैंने 2000 सेट किया हुआ है, और यहाँ पे करेंसीज में जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी करेंसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मेरे लिए, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे सारे करेंसीज ऑप्शन जो है अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के लिए INR नहीं है, USD नहीं है, यूरो नहीं है। तो हम कोई भी वॉलेट के थ्रू भी करेंगे तो हमारे पास ये 3 ही ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे मैंने IDR किया तो यहाँ पे देखो मिनिमम 2 लाख का मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा इस करेंसी में, तो यार ठीक ठाक नहीं लगी। सेम की सेम प्रॉब्लम आती है UPI में और IMPS में, यानी हमारे लिए ये ऑप्शन है ही नहीं अगर बात करी जाए तो। हालांकि डिपॉजिट कई बार हो जाता है, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रहा हूँ 100% की डिपॉजिट नहीं होता, डिपॉजिट हो भी जाता है नहीं भी होता, बट मेरा कहने का मतलब ये जब हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो डिपॉजिट तो इंस्टेंट दो मेरे भाई, एटलीस्ट डिपॉजिट तो इंस्टेंट दो। डिपॉजिट इंस्टेंट दोगे तभी तो बंदा विड्रॉ की सोचेगा, विड्रॉ तो आप पता नहीं कितने टाइम में दोगे, लेकिन डिपॉजिट तो कम से कम ऐसा मेथड रखो कि इंस्टेंट आप दो। पेटीएम का सिस्टम इन्होंने डिपॉजिट का दे रखा है, लेकिन वहां भी आपको पहले ट्रांजेक्शन ID कॉपी करके पेश करना पड़ेगा, और ये सारा मामला सिक्योर नहीं है, ये एक तरीके से जुगाड़ बोलते हैं इसको। तो ये चीजें भी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी अबाउट दिस कि ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, iOS पे अवेलेबल नहीं है, क्या मामला है, क्या मांजरा है इसके पीछे, ये चीज जरूर आप लोगों को सोचने का एक
नजरिया जरूर आपको प्रोवाइड करेगा। अब लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ये कुछ एप्लीकेशन, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आप यूज कर ही नहीं पाएंगे, जैसे यूपीआई है, जैसे आईएमपीएस है। क्यों? क्योंकि यार इनका ना बैकएंड पे प्रोग्रामिंग चलती रहती है, मेंटेनेंस चलता रहता है, तो ये कई बार ये ऑप्शंस काम नहीं आते। मेन जो ऑप्शंस है चार, वो मैं आपको बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, पेटीएम, स्क्रिल, नेटलर, और एक जो है आप ई पे यूज कर सकते हो, क्योंकि बैंक कार्ड्स और ये इंपल्स यूपीआई कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं क्रिएट, और कभी कभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं वेबसाइट पे, कभी नहीं मिलते। इनका अपडेट ही कुछ इस तरीके का है, थोड़ा मैंने आपको जैसा कि कहा पिछड़ी हुई वेबसाइट है, थोड़ा सा पुरानी है, थोड़े से पुराने तौर तरीकों से चलती है। विड्रॉ के भी आपको सेम मेथड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, हालांकि देखने में आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, यूपीआई यूज कर सकते हो, आईएमपीएस यूज करते हो, लेकिन इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इनका जिक्र क्यों नहीं किया, सबसे बड़ी बात आती है वहां पे ये जिक्र क्यों नहीं हुए ये मेथड्स, जब इनके पास इतने सारे मेथड्स है। क्यों? क्योंकि यार ये मेथड्स आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं, फिर मेंटेनेंस में चली जाती है वेबसाइट, तो हट जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं, ऐसा ही कुछ होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जाते हैं बिनानी के ट्रेडिंग वाले इंटरफेस पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है बैक, जाते हैं एंड देन यहाँ पे बैक, तो मुझे यहाँ पे मिल गया है इंटरफेस। अब देखो यार बहुत ही ऑर्डिनरी सा इंटरफेस है। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पे देखो अप एंड डाउन का मुझे सिंपल सा इंटरफेस मिल रहा है। अब हम जाते हैं करेंसीज पे कि हम कितनी सारी करेंसीज यानी डील्स ले सकते हैं। अभी हिस्ट्री तो मेरी जीरो ही दिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैंडल्स में हम तीन चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कैंडल्स, बार और एरिया। तो अब आते हैं प्लस पे, तो देखते हैं कि क्या है हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल। तो इन्होंने कहा था कि भैया आपको 50 प्लस करेंसीज मिलेंगी, देखते हैं। तो अभी सारी करेंसीज जो है वो क्लोज हैं, जैसा कि आपको पता है संडे मार्केट पे, लेकिन अब जाते हैं हम क्रिप्टो पे। तो क्रिप्टो में ठीक ठाक से ओपन है, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, 7% का प्रॉफिट देख रहे हो आप, एक चीज़ 10% का प्रॉफिट, 11% का प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट। अब OTC पे आते हैं, OTC पूरी की पूरी OTC क्लोज है, अभी कोई OTC करेंसी अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि आज संडे है, OTC अवेलेबल होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑल करेंसीज पे आ जाओ तो हमें हमारे पास सिर्फ 8 करेंसीज हैं जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो भैया ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर आप 30 रुपये लगा रहे हो, 33 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, तो क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा। अभी मैं एक ट्रेड जो है वो प्लेस करता हूँ, 15 सेकंड की कैंडल सेलेक्टेड है, मैं इसको 1 मिनट कर लेता हूँ, तो 1 मिनट की कैंडल देखते हैं उसके। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगी बहुत ही बेकार यार, 30 रुपये इन्वेस्ट करके मुझे 33 रुपये मिलेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ पे ट्रेड लेने का। यहाँ पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली है, इन्वेस्टमेंट हमारी है 30 रुपीज़, और 1 मिनट का टाइमिंग जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और इंडिकेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे कोई इंडिकेटर का ऑप्शन मिला नहीं फिलहाल, कि कोई इंडिकेटर अप्लाई हो जाए यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि कोई इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है। तो अब कुछ भी ऐसा नहीं है, ऑपरेशंस में शायद कुछ मिले तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इंडिकेटर में प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, ज़्यादा क्या मुझे तो कोई इंडिकेटर मिल ही नहीं रहा जिसको हम यूज़ कर पाए, बट लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे एक सेल फोर का ऑप्शन भी आता है, मतलब अगर आप इसे अभी सेल करना चाहें तो आपको 1.87 रुपीज़ मिलेंगे। तो यार 1.87 रुपीज़ मिलेंगे, कॉमेडी होगी हमारे साथ अगर ऐसा किया तो। तो अभी हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड्स अवेलेबल हैं, 13 सेकंड्स, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लेकिन जो भी हो यार, सबसे बेकार चीज़ मुझे यहाँ की लगी, 30 रुपये लगा के आपको 33 रुपये मिल रहे ना, प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। और सिर्फ इस करेंसी की बात नहीं करते हैं, अगर सारी देखो, मेरा बैलेंस था 5000 रुपीज़, अब मेरा बैलेंस हो गया है 5030 रुपीज़, 330 समथिंग ऐसा कुछ हो गया है। तो ये समझ नहीं आ रहा यार इन्होंने किस तरीके से किया, अच्छा 5003.30 रुपीज़, यार बहुत ही बेकार सीन लगा मुझे इसका ये। और बाकी सारी करेंसीज पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे सिर्फ 12% मिल रहा है, और कुछ प्रॉफिट परसेंटेज ही नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके विड्रॉ और डिपॉजिट सिस्टम की, तो मैंने कहा था आपको कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यार भैया यहाँ पे जो है, अगर आप विड्रॉ डिपॉजिट करते हो पेटीएम से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप पेटीएम से डिपॉजिट करते हो, तो मैं डिपॉजिट पे जाता हूँ एंड पेटीएम की सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर यूजर्स हैं जो पेटीएम यूज़ करते हैं। तो पेटीएम पे मैंने किया क्लिक, अब देखते हैं, अब यहाँ पे अब देखो कि क्या है, आपको करना क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो नंबर है इसको आपको करना है कॉपी, इस पे आपको पैसे ट्रांसफर करने, इस नंबर पे आपको जितने भी आपको डिपॉजिट है वो करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसकी ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो शेयर करनी है। ट्रांजेक्शन आईडी शेयर करने के बाद भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, भैया यूपीआई मतलब सेबी कहता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई की बात करते हैं, अगर आप किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं
और उसके बाद आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रांजेक्शन आईडी से, अगर आप लेना चाहे, देखो ये ट्रांजेक्शन आईडी होती है, अगर इसको यहां पे डाल के कंफर्म करना होता है तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट आ जाता है। लेकिन भैया मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, 2000 रुपीज मैंने डिपॉजिट करने की कोशिश की थी इस वेबसाइट पे थ्रू पेटीएम, बट हो नहीं पाए थे क्योंकि वही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा था, और बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन मैं करने की कोशिश कर रहा था जस्ट 2000 रुपीज का, वो भी फेल हो जा रहा था। अब बात करते हैं विड्रॉ की, तो विड्रॉ छोटे छोटे विड्रॉज यहाँ पे विड्रॉ जो प्रोसेस हो जाते हैं, बड़े विड्रॉ का अभी तक कोई सीन मेरे सामने आया नहीं है। छोटे विड्रॉज 1000-1500 रुपए के विड्रॉ दे देते हैं, लेकिन बड़े विड्रॉ मुझे लगता है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जैसे अकाउंट ब्लॉक या कुछ। तो मतलब ऐसा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ऐसा मेरे पास मैसेजेस आते हैं तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं है ना मैंने ऐसा करके देखा है, बस आप लोगों के यूजर्स के रिव्यूज और फीडबैक के बेसिस पे मैं ऐसा कह रहा हूं। तो गाइज एक चीज है, तो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैंने करके आपको यहां पर दिखा दिया है बेनिनी एप्लीकेशन का, बिनानी एप्लीकेशन का, कि क्या इसका सिनेरियो है, किस तरीके से वर्क करती है, और आपको यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेथड आपको यहां पे देखो बहुत सारे मिल जाते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के। और लेकिन मेरे हिसाब से यार जब इतना कम प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है तो भैया क्या फायदा इन एप्लीकेशन का, इससे अच्छा तो मैं और बहुत सारी बाइनरी एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ कर लूँगा, इतने कम प्रॉफिट के साथ मैं क्या करूँगा ये बताओ। इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया मैं यूज़ करूँ ही ना, क्योंकि 3% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 30 रुपये लगा के आपको जब 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है, 3% प्रॉफिट के साथ मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे इस फील्ड में। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको इतनी बड़ी रिस्क लेनी चाहिए, तो बाकी आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बहुत लोग मुझे कह रहे थे बिनानी एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू के लिए, तो मैंने इसका पूरा रिव्यू किया है आप लोगों के सामने, अब आपकी चॉइस है आप इसे यूज़ करो या ना करो। मार्केट में और भी एप्लीकेशंस हैं, सबके रिव्यूज़ में लेके आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ यार लाइक आपने वीडियो को अभी तक कर दिया होगा, हालांकि वीडियो थोड़ी लेट ज़रूर आई, बनने में टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन रिसर्च ज़रूरी थी, पीछे के तथ्य ज़रूरी थे, सच्चाई ज़रूरी थी, उसके लिए टाइम लगता है, और उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझते हो और आपने कमेंट कर दी होगी प्यारी सी। शेयर वीडियो को करते रहा करो यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, अभी ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वहां पे ज्वाइन नहीं होते हो तो बहुत कुछ मिस करोगे गाइस। चलिए गाइस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।